बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो जी, हमारे शहर सरगोधा में सबवे की फाइनली ओपनिंग हो ही गई। बड़े अरसे से सुना जा रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं अपना सबवे का एक्सपीरियंस, साथ ये के बर्गर सबवे का और ड्रिंक मैकडोनल्ड्स की ऐसा क्यों। अच्छा, लोकेशन वाज तो इट वाज ओके, बट मुझे बिल्कुल न्यू आउटलेट ओपनिंग की फील नहीं आई और इंटीरियर भी एज सच अच्छा नहीं लगा और रश भी कम था। सबवे का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, कस्टमाइज्ड होता है, तो शायद लोगों को अभी सरगोधा में लोगों को ये टेस्ट डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, बेसिकली सबवे का मेरा बहुत ही कम एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं दुबई भी रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे सबवे बहुत कम ट्राई किया है। वहाँ पे मैकडोनल्ड्स, केएफसी और लोकल ब्रांड्स मैंने बहुत ट्राई किए हैं। इसके बर्गर का मुझे इतना ज़्यादा टेस्ट का आइडिया नहीं है और फ्लेवर्स का आइडिया नहीं है। तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ और यहाँ की फैकल्टी बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत क्लीन एनवायरनमेंट था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक गाइड किया और सारे फ्लेवर्स के बारे में बताया था। आगे आप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। टोटली कस्टमाइज्ड बर्गर है, आप अपनी पसंद से बनवा सकते हैं और टोटली डिफरेंट फ्लेवर होता है। डेफिनेटली जब आप अपनी कस्टमाइज्ड बर्गर बनवाएंगे, कस्टमाइज्ड वेजिटेबल्स होंगी, फ्लेवर्स होंगे, तो बर्गर का टेस्ट ही डिफरेंट होगा। और ये एंटायरली केएफसी मैकडोनल्ड्स के जॉनर से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे एम्प्लॉय मुझे अच्छे से गाइड कर रहा था, जितने भी फ्लेवर्स हैं मुझे डेफिनेटली याद नहीं है क्योंकि मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एम्प्लॉय ने मुझे बड़े अच्छे से गाइड किया और मैंने यहाँ पे एक फ्लेवर लिया था, प्रोबेबली उसका नाम टर्की समथिंग कुछ था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ऐसा ऐसा जब जाऊँगा जाया करूँगा तो सारे फ्लेवर्स के नाम भी याद आ जाएंगे, लेकिन मैं बहुत कम जाऊँगा। बाय द वे, अंडे वाला बर्गर बेस्ट। सबसे पहले आप अपनी मर्जी का एक बर्गर चूज़ करते हैं, 6 इंचेस 12 इंचेस एज पर आपका भूख मूड जो भी है। उसके बाद आप अपना फ्लेवर चूज़ करते हैं, मीट का फ्लेवर, चिकन का फ्लेवर, ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। आप कुछ भी, स्पाइसी भी हैं, कम स्पाइसी भी हैं, क्रीमी भी हैं, और उसके बाद ऊपर जी चीज़ ऐड करते हैं, चीज़ स्लाइसेस ऐड करते हैं। मैं तो चीज़ लवर हूँ, तो मैंने तो दरअसल में हम दो थे तो हमने सोचा था कि इसको दरमियान से कट करवाएंगे और हाफ ऑफ यूज़ करेंगे। जो मेरा पार्ट था उसमें मैंने चीज़ के एक्स्ट्रा स्लाइस डलवाए थे। आफ्टर मीट और चीज़, ये बर्गर को तकरीबन 30 सेकेंड्स के लिए ग्रिलिंग ओवन में रखते हैं और इसको ग्रिल किया जाता है, और उसके बाद इस पर सारी कस्टमाइज वेजिटेबल्स जो है वो डाली जाती है, वो आपकी मर्ज़ी से डाली जाती है। मैं शूट नहीं कर सका, शूट किया था बट वीडियो शायद डिलीट हो गई। तो उसमें थी जी कैप्सिकम थी, लेटस था, टमेटोज थे, ऑनियंस थे, ऑलिव्स थे, ककम्बर था और डिफरेंट वेजिटेबल्स, एंड फाइनली सॉसेज एंड बर्गर इज़ रेडी टू ईट। और जी कहते हैं ना कि कतरा कतरा करके मिलके दरिया बनता है। वहाँ पे जब देखा एक एम्प्लॉय ने कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो उसने मुझे फ़ौरन सब्सक्राइब किया और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। ऑल दो कि मेरा चैनल बहुत छोटा सा है और अभी 1.5 माह ही हुआ है स्टार्ट किए हुए, बट मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने खुद मुझे कहा कि मैं सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जी हम ड्रिंक के लिए गए मैकडोनल्ड्स, जहाँ से भी फूड लेंगे, जो भी लेंगे, अंडे वाला बर्गर भी लेंगे बट ड्रिंक मैकडोनल्ड्स की चलेगी। ऐसा टेस्ट डिवेल्प हो चुका है, मैकडोनल्ड्स के अलावा कोई ड्रिंक अच्छी नहीं लगती, क्योंकि डाइन इन टाइम जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था। तो हमने सोचा कि गाड़ी में बैठ के खाते हैं, तो मैकडोनल्ड्स की बैक साइड पे एक फूड एरिया है, बस वहीं खड़े होकर हमने अपना मील एंजॉय किया। बिलीव करें, मैं वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा आपको, बहुत मज़े का था, बहुत हेल्दी था। आपको सेफ साइड रखनी है और आप चाहते हो कि बिल्कुल यमिलिशियस सी चीज़ खाई जाए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं सबवे। यहाँ पे मुझे उनकी एक लाइन याद आ रही है, लाइन कुछ यूँ थी कि आर इंग्रेडिएंट एंड योर मास्टरपीस, और एक्चुअली ऐसे ही था कि इंग्रेडिएंट उनके थे और मास्टरपीस आपका था, आपके टेस्ट अकॉर्डिंग था। और जी मैं सबवे को थम्स अप दूंगा, आप ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ तक ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।